हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। फटाफट सुनील बत्रा जी दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, सर्वेंद्र जी को भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मेरे पास है 400 शेयर पिकाडली एग्रो 230 के भाव के लिए हुए, और एक है मैक चार्ल्स पुराना 30 साल पुराना शेयर है, 15 रुपए में लिया हुआ, मेरे को 30 का लिया था, उसमें बोनस टू और बोनस आ गया था, 15 का पड़ गया था 200 शेयर। दूसरा शेयर कौन सा बोला, नाम नहीं सुन पाया मैं। मैक चार्ल्स होटल बेंगलोर में है ना, होटल हॉलीडे इन इनका, मैक चार्ल्स। ओके, पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलो यार सरोज जी बताइए पिकाडली का। देखिए मैं या मैंने भी नाम थोड़ा पहली बार इनका दूसरा वाला सुना। देखिए पिकाडली में देखिए डेटा थोड़ा 2019 से ही मुझे दिख रहा है, और थॉट यहाँ पे ये है कि एक अच्छा वर्टिकल मूव रहा है, 300 से लेके ऑलमोस्ट 850 ये वर्टिकली गया है, और एक महीने डेढ़ महीने के अंदर ही गया है, तो थोड़ा वो बॉट है यहाँ पे। बट क्योंकि इनके पास आई थिंक थोड़ा पहले के रेट से इनके मैं क्लियरली नहीं सुन पाया, बट मान के चल रहा हूँ कि प्रॉफिट में ही होंगे क्योंकि अभी चला है। तो मेरे हिसाब से इनको 600 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब देखिए डीप आ रहा है स्टॉप लॉस क्योंकि वर्टिकली भागा है, 600-620 रुपए के आसपास ही मुझे थोड़े बहुत ही कुछ सपोर्ट दिख रहे हैं, बाकी तो सब वर्टिकली है, तो उन एरियाज के आसपास कहीं इनको एक स्टॉप लॉस ध्यान रखें और 1-3 महीने यहाँ पे बने रहे, दोबारा राय ले लें जब थोड़ी सी और क्लैरिटी आए, तो दोबारा चाहे तो एक बार राय ले लें यहाँ। ओके, तो ये राय है पिकाडली इंडस्ट्रीज एग्रो इंडस्ट्रीज 796 इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा वाला सर नहीं ले पाऊंगे सुनील जी क्योंकि मिल नहीं रहा हमारे इस पे डेस्क पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कल्पेश गांधी का अंकलेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। कल्पेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार नीरज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास L&T फाइनेंस है 3500 शेयर 180 के भाव से, तो मुझे उसके मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना है, और अभी जस्ट 170 के आसपास उसके अंदर ब्लॉक डील हुई थी जिसमें L&T ने भी स्टेक ऐड किया था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। एकदम रेट टू रेट चल रहा है अभी। हाँ सरवन जी, क्या L&T फाइनेंस होल्ड करना चाहिए करंट प्राइस पे? देखिए ओवरऑल सेटअप्स तो भी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे, तो आई थिंक अगर चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। थॉट यही है कि भाई आपको यहाँ पे ये लेके चलना पड़ेगा कि जो पिछला एक कंजेशन जोन बना जहाँ पे अटका था 3 महीने, वो तकरीबन मुझे दिख रहा है 170 के आसपास के जो दायरे थे वहां पे इसने काफी स्ट्रगल किया 1-3 महीने, तो अब क्योंकि डिसाइसिवली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से, तो आई थिंक बने रहे और कहीं 170 के नीचे एक स्टॉप लॉस चाहे तो जरूर लगाएं। शॉर्ट टर्म में इनको ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई ब्रेकआउट हुआ है तो अब यहाँ से मोमेंटम बिल्ड इन होना चाहिए, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा एक 10-15 दिन जरूर देखें, और 10-15 दिन में चाहे तो दोबारा राय लेकर नहीं चला तो, और इन द मीन टाइम आई थिंक 168.40 का एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा के रखें।